हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बड़ी ए की मात्रा, जिस जो इस प्रकार बनती है। देखिए, इसका मुंह इस तरफ होता है, मतलब हमारे उल्टे हाथ की तरफ, और एक सीधी लाइन होती है, उसे हम कहते हैं बड़ी ए की मात्रा। ये आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। देखिए, इसका हम पढ़ते जब हैं तब इसको हम ई करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हम छोटी ई को ई पढ़ते थे, पर अब इस बड़ी ई को हम ई करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे घ ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, घड़ी। द द में बड़ी की मात्रा दीपक, दीपक। देखिए, बोल बोल कर पढ़ें। ता धन बड़ी ई की मात्रा धन, र धन तीर। पा धन, पा धन, पा में बड़ी की मात्रा धन, ता धन आ की मात्रा बराबर पपीता, पपीता। देखिए, म धन छ धन ल धन बड़ी ई की मात्रा धन मछली, मछली। ब धन क धन र की मात्रा धन बड़ी र में बड़ी की मात्रा री बकरी, ठीक है। तो आपने देखा, हमने इन सभी अक्षर इन सभी शब्दों में हमने जो बड़ी ई की मात्रा है उसको हमने ई करके पढ़ा। आइए अब इन शब्दों को पढ़ते हैं। का में बड़ी की मात्रा की ल, कील। पा में बड़ी की मात्रा पी, ला में आ की मात्रा ला, पीला। चा में बड़ी की मात्रा ची, ता में अ की मात्रा त, चीता। हमें बड़ी की मात्रा ही, रा में अ की मात्रा रा, हीरा। पा में आ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, पानी। मीनार, लड़की। बीमार, सर्दी। पनीर, चटनी। महीना, पीपल। ककड़ी, शरारती। महारानी, गिलहरी। राजधानी। आपने देखा, हमने इन सभी शब्दों को में जो जहां पर भी बड़ी की मात्रा आई है हमने उसे जोर देकर पढ़ा है। आइए अब इस कविता को पढ़ते हैं। सजीली की साइकिल। आज सजीली की नई साइकिल आई। साइकिल पीली थी, वह साइकिल पर चढ़कर पाठशाला गई। फिर किताब पढ़ी, लिख लिख कर पाठ याद किया, हिसाब का सवाल हल किया। फिर साइकिल पर घर वापस आई, घर आकर इमली की चटपटी चटनी और टिकिया खाई, फिर वह खुशी खुशी सोई। ये कविता, इस कविता पर भी देखिए, सजीली पर बड़ी की मात्रा भी हुई, इस्तेमाल हुई है। पीली, आई, नई, इमली, चटपटी चटनी, खुशी खुशी, इन सब में बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब हम इसे फिर से पढ़ते हैं, वाक्य बनाने वाले शब्द पढ़ते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। चिड़िया दल और दाल और चावल लाई, खिचड़ी बनाई घी डालकर खाई। देखिए, मछली की रानी, जीवन, पानी, इसमें देखिए बड़ी की मात्रा है। चिड़िया दाल और चावल लाई, लाई में बड़ी की मात्रा है। खिचड़ी बनाई घी डालकर खाई, खिचड़ी ड़ी में बड़ी की मात्रा, घी में बड़ी की मात्रा, डालकर खाई, खाई में बड़ी की मात्रा। अब देखिए, इन यहाँ पर जो वाक्य लिखे हुए हैं आपको इनको पेंसिल से लिखना है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, खिचड़ी में घी डाला, इन सबको आपको पेंसिल से ऐसे ट्रेस करके लिखना है। अब आते हैं हम अभ्यास पर। बोल कर पढ़े और अंतर समझें।
दिन दीन, खील खील, पिता पीता, शिला शीला, मिल मील, बिन बीन। देखिए इनमें हमने अंतर बताना है। जैसे इसमें छोटी की मात्रा है तो हमने इसे कम जोर दिया है, पर इसमें बड़ी की मात्रा है तो हमने इसे ज्यादा जोर देकर पढ़ा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ सभी शब्दों को एक जगह, एक में छोटी की और एक में बड़ी की मात्रा देकर अंतर बताया गया है। जैसे कि खील खील, पिता पीता, शिला शीला, ठीक है। इन सभी में अंतर यही है कि यहाँ पर छोटी की मात्रा है और यहाँ बड़ी की मात्रा है, तो हमने जो छोटी की मात्रा है उस पे कम जोर दिया और बड़ी की मात्रा पर ज्यादा जोर दिया है। अब प्रश्न नंबर दो देखिए। नीचे लिखे शब्दों में आ और ई, छोटी ई की मात्रा लगाकर नए नए शब्द बनाएं। देखिए यहाँ पर हमें आ की मात्रा बनानी है और यहाँ हमें छोटी की मात्रा से शब्द बनाने हैं, और हमें ये शब्द दिए हुए हैं, दल मल तल और पन। हमें इसको जोर जोड़ के आ की मात्रा जोड़नी है और छोटी की मात्रा जोड़नी है। तो देखिए इन्हें कैसे लिखा जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको जैसा बताया था, इन शब्दों में हमें ये मात्रा और ये आ की मात्रा और छोटी की मात्रा लिखनी है। तो जैसे द में आ की मात्रा द, ल दाल, द में छोटी की मात्रा दी, ल दिल, मा में आ की, अब हमें शब्द कौन सा लेना है, माल मल, मा में आ की मात्रा मा, ल छोटा ला माल, मा में छोटी ई की मात्रा मी, ल मिल, अब हमें लेना है तल, ता में आ की मात्रा ता, ल छोटा ला ताल, ता में छोटी की मात्रा ती, ल तिल, अब हमें लेना है पन, पा में आ की मात्रा पा, न छोटा ना पान, पा में छोटी की मात्रा पी, न छोटा ना पिन। अब देखिए तीसरे प्रश्न में हमें सही शब्द चुनने हैं, ठीक है। आपकी बुक में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सजीली की साइकिल थी नीली या पीली। तो सजीली की साइकिल थी पीली। आप सभी जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप उत्तर लिखेंगे, प्रश्न डालेंगे और उत्तर में लिख देंगे जो उसका सही उत्तर होगा, जैसे पीली। फिर ख देखिए, साइकिल पर वह गई, साइकिल पे वह गई पाठशाला, ठीक है, उसका सही उत्तर है पाठशाला। याद किया उसने, उसने क्या याद किया था, उसने याद किया था पाठ, याद किया उसने पाठ। घ देखिए, घर आकर खाई, घर आकर उसने क्या खाई थी, खीर या टिकिया, उसने खाई थी टिकिया। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर चार, दिए गए अक्षरों में एक एक नया शब्द बनाइए, ठीक है। हमें यहाँ पर शब्द दिए हुए थे टी गी ची खी री और पी, इनमें हमें एक नया शब्द बनाना है इन शब्दों में से, ठीक है। जैसे हमने बनाया टा में छोटी की मात्रा टी कट टिकट, खा में छोटी की मात्रा खी, सॉरी खा में बड़ी की मात्रा खी, रा छोटा रा खीर, गा में छोटी की मात्रा गी, टा में आ की मात्रा टा, र गिटार, री रा में बड़ी की मात्रा री, ता में आ की मात्रा ता रीता, ची चा में छोटी की मात्रा ची, डा में छोटी की मात्रा डी या चिड़िया, पा में बड़ी की मात्रा पी, ला में आ की मात्रा ला पीला। हमने इन शब्दों में से एक नया शब्द बना लिया। अब देखिए प्रश्न नंबर पांच क्या कह रहा है, चित्र पहचान कर छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगाकर चित्र पूरा करें, ठीक है। चित्र यहाँ पर मैंने चित्र नहीं बनाए हैं, आपकी बुक में चित्र बने हुए हैं, तो उसमें से आपको चित्र देखकर उनको उनमें मात्रा लगा के उनके शब्दों को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। जैसे कि हमें बड़ी छोटी की मात्रा ही रन हिरन, हमें आ की मात्रा हाथ, हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी, गा में छोटी की मात्रा गी लहर गिलहरी, सॉरी गिलहरी, यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी गिलहरी,
गा में छोटी की मात्रा गी, सॉरी गा में बड़ी की मात्रा गी, ला में आ की मात्रा ल, स गिलास, म छली मछली में बड़ी की मात्रा आएगी मछली, ना में आ की मात्रा ना, रा में छोटी की मात्रा में बड़ी की मात्रा री, यल नारियल, प छोटा प, पा में बड़ी की मात्रा पी, ता में आ की मात्रा ता, पपीता, दा में बड़ी की मात्रा दी, पा में अ, प छोटा प, का छोटा का, दीपक। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 में आपको ऐसे कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, देखिए आपको ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनमें आपको चित्र देखकर इनके शब्दों को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे की ता में आ की मात्रा ता, ब किताब, अब ब से यहां शुरू करना है, ब दख बदख। ठीक है, त में छोटी की मात्रा ती, त छोटा त, ला में बड़ी की मात्रा ली, तितली। अब ऐसा हमें शब्द ढूंढना है जो ला पे खत्म हो, तो म छ ली मछली। देखिए अब ना, रा में छोटी बड़ी की मात्रा री, य ल नारियल, स में आ की मात्रा सा, ई छोटी छोटी ई, कामे बड़ी की मात्रा, कामे छोटी की मात्रा की, ल साइकिल। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको चित्र में कलर करना है। चित्र किस 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 जानवर का चित्र दिया हुआ है, ये एक हिरन का चित्र है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हमें बड़ी छोटी की मात्रा ही, र छोटा र, न छोटा न, हिरन, और इस हिरन में रंग भरेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।